हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज अब जा रही हूँ मैं मार्केट में, और मार्केट में से थोड़ा थोड़ा सामान लाना है, वही लेने के लिए जा रही हूँ। बेटी गई हुई है बाहर घूमने के लिए, वो अभी तक आई नहीं है, वो कल आ जाएगी। हम लोगों का मन बहुत ज़्यादा उदास है, मेरा बेटा भी बहुत उदास है। अब वो भी कह रहा था कि सुरभि जल्दी से आ जाए, और हमें भी लग रहा है कि बहुत दिन हो गए हैं उसे कहीं गए हुए, इतने दिन के लिए कभी छोड़ा नहीं है। तो वो कल आ रही है वैसे वापस, यानी कल 23 नवंबर को, आज है 22 नवंबर, तो ऐसे लग रहा है कि कल वो आए तो वो यहीं आ जाए, अपने ससुराल में नहीं आए, हमारे घर आए, हमें मिलकर जाए। तो कल तो नहीं आ पाएगी वो, शायद परसों संडे है, हो सकता है वो संडे को थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आए, और मंडे से उसने ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो वही है, अब रहना तो उसने वही है। कितना याद करते रहेंगे उसको, कोई तो बात नहीं, हम लोग भी आए हैं अपनी ससुराल, हम भी अपने घर छोड़कर आए हैं, तो अब उसको भी भेजा है। तो चलिए, खैर ये तो हर माँ को, आपको भी किसी ना किसी को ये चीज आप फेस करनी पड़ेगी, या आप कर चुके होंगे जिनकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं, और बेटियों ने तो अपने घर ही जाना होता है, जब तक हमारे घर होती हैं तब तक ही हमारी है, शादी के बाद तो वो दूसरों की हो जाती हैं। फिर कौन रहने आता है और कौन छोड़ता है, जो थोड़ा बहुत मिलने के लिए आ जाए उतना ही ठीक रहता है। चलिए खैर, और चलिए मैं मार्केट होके आती हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेके आऊँ। अकेली ही जा रही हूँ, स्कूटी से जाऊँगी, तो स्कूटी का इंतज़ार कर रही थी, हस्बैंड गए हुए हैं स्कूटी लेकर, वो आ जाए तो मैं स्कूटी लूँ और मैं जाऊँ। बस मेरी तैयारी पूरी है, पर्स वर्स रेडी है, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, निकलती हूँ फिर मैं, और मिलते रहेंगे हम आपसे। घर का सारा काम मैंने कर लिया है, सुबह 10 बजे ही मैं तो फ्री हो जाती हूँ, अब काम ही नहीं है मेरे पास कोई, मेरे पास मेरी बेटी का ही काम होता था सारा, अब कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, ऐसा लगता है मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, आपसे बात करती हूँ, मेरा थोड़ा मन लगा रहता है, क्योंकि अभी तो शुरू शुरू में हम बहुत 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 उदास हैं अपनी बिटिया के बिना। अभी तो गई है वो, 4 5 6 दिन ही हुए हैं तो, लेकिन हमें लग रहा है पता नहीं कितने दिन से नहीं मिले हम उसको। कल आ रही है वापस, थाईलैंड गई हुई थी, तो कल उनकी 23 तारीख की वापसी की है। देखो दोपहर तक, 3 4 बजे तक वो लोग कब पहुंचते हैं, और होपफुली अगर उसको टाइम हुआ तो परसों थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आएगी, और नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट संडे आएगी। चलिए, बात तो रोज हो ही जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है मेरी बेटी से, तो वहाँ जहाँ घूमने गए हुए हैं वहाँ से वीडियो कॉल कर देती है, वहाँ का दिखा देती है। और चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, आप लोग भी मेरे वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, औरों को भी इसमें साथ में जोड़ते रहिए। और ये है हमारा आज का लुक, मैंने आज ये ड्रेस पहनी है क्योंकि मार्केट जाना है, स्कूटी से जाना है, तो थोड़ा एक फ्री ड्रेस पहननी होती है। दिस इज द माई लुक, आपको कैसा लगता है हमारे लुक, हमारी बातें, हम लोग कैसे लगते हैं, आप लोग हमें बताइए, और मिलते रहिए, कमेंट करिए हमारे, मेरे बहुत से मेरी भाभियाँ, नंदे और मेरी बहनें और देवर जेठ, बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं सारे, तो आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, मिलता रहे, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें अच्छा लगेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा, इस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। एक बाहर नीचे जाने का दरवाजा है, मैं यहीं से जा रही हूँ, बाय बाय। वेरी गुड, तो अच्छा रहा।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं आज अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुंची हूँ। ये मेरी फ्रेंड है उषा, और आज इनके घर आई हूँ। एक्चुअली वो जैसा कि हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, मेरी बेटी की शादी हुई है, तो हम मिठाई देने के लिए जाते हैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ। तो आज इनको भी मैं यह मिठाई देने के लिए आई थी। ये देखिए ये डिब्बा रखा हुआ है इनका, और इनसे मिलिए, आप हाय बोल दीजिए। हेलो, हाय। हाँ, आप कुछ और कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरी फ्रेंड्स आई है, इनकी बेटी की शादी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये मिठाई लेके आई है और मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं इन्होंने शादी तो वहाँ करी है, लेकिन मैं दिल से बहुत खुश हूँ, और इनकी बेटी को बहुत खुशियाँ दे भगवान और आशीर्वाद दे मेरा। हम दोनों 20 साल से फ्रेंड्स है ना, 20 साल हो गए हैं हमें इस वाली सोसाइटी में आए हुए। तो मैं फर्स्ट डे ही जब हम यहाँ आए थे, ये हमारे से कुछ दिन पहले आए दस थे, दिन दस पहले दस दिन पहले ये इस सोसाइटी में आए थे, और हम 10 दिन के बाद आए थे। हम तब से लेके आज तक हम आपस में इतने फ्रेंड्स हैं, चाहे हम 2 महीने नहीं मिले, चाहे 2 साल नहीं मिले, लेकिन मिलते जरूर हैं। जब भी मिलते हैं तो हमारा सर्कल आज तक बना हुआ है। और आज मैंने इनका घर देखा, इन्होंने अपने घर को रिनोवेट किया है बड़े अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब यही बैठे, और मुझे 2 घंटे हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। हम लोग गप्पे मारते जा रहे हैं, हमारे पास इतनी गप्पे इकट्ठी हो चुकी क्योंकि काफी दिनों बाद थी। मिले ना। हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं आज। और ये भी इनके बच्चे दोनों ही बाहर गए हुए हैं, जॉब करता है इनका बेटा बड़े वाला, तो छोटा भी वहीं चला गया। तो ये भी दोनों अकेले हैं, तो ये भी अकेले थी, मैं भी अकेली हो चुकी हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई है, बेटा मेरा रात को लेट ही आता है, तो हम लोग दोनों फ्री थे, तो इसलिए हम आज गप्पे अपनी मारते आज रहे। की बातें हैं, हम बच्चों की जो शादी में जो भी फंक्शन हुए हैं सब सब देख रहे हैं वीडियो में, और हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी अच्छी शादी वीडियोस करी देखी है दीदी की इन्होंने, इन्होंने। सारी फोटो देखी हैं, और मुझे पता है सुरभि भी देख रही है। सुरभि आंटी ने तुम्हारी सारी डांस की बहुत वीडियोस अच्छी लग देखी रही हैं। बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों के दोनों, और हाँ, बहुत अच्छे सुंदर लग रहे हो, और बहुत खुश हो आप। मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज। जितने भी हमारे और रिलेटिव्स भी देख रहे हैं, मेरे कुछ भाई बहन भी हैं, वो इनको जानते हैं, तो सब देख रहे होंगे। उषा आंटी हैं, सबको देख रही हैं, आप लोग भी देख रहे हो, और इन्होंने सबकी फोटो और सबकी वीडियोस देखी हैं। मम्मी आपकी भी वीडियो इन्होंने देखी है, और जो बहन है वो दोनों हमारी दोनों भाभी की हैं। हाँ, इन्होंने हल्दी की रस्म की साड़ी देखी है, और मेहंदी के देखे हैं, बहुत अच्छा, सारी मैंने फोटो दिखा दी है बहुत उनको। अच्छा फंक्शन, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगा मैं क्यों नहीं थी वहां। चलो चलो ठीक है। अब मैं चल रही हूं अब अपने घर, और अब आप सबको करते हैं।